सडोरा निकाय चुनाव को लेकर जहां मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, वहीं सुरक्षा व्यवस्थाएं की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। हमारे साथ जो है यमुनानगर के SP मोहित हांडा यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो है आज के चुनाव को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई जी। जैसे आपने बताया कि चुनाव तो आज सुबह 7 बजे शुरू हुए हैं, पर पुलिस की और प्रशासन की तैयारियां तब से ही शुरू हो चुकी हैं जब से इस चुनाव की घोषणा हुई थी। तो लगातार तैयारी में जो है यहां पे हमारे जो नोडल ऑफिसर DSP हैं उनके नेतृत्व में यहां सडोरा निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। बूथ ड्यूटीज़ को प्रॉपरली ब्रीफ किया गया है, उनको डूज एंड डोंट्स जो हैं वो बताए गए हैं, उनके रहने की व्यवस्था और उनके जो पोलिंग पार्टीज जो जितने भी प्रशासन की ओर से नियुक्त किए गए हैं उनके साथ उनका पूरा तालमेल है। जो सेंसिटिविटी है बूथ्स की उनको देखते हुए वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। लगातार पेट्रोलिंग पार्टीज जो हैं सभी बूथ्स के और सभी संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और कोई भी अगर स्थिति होती है उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सर, कितने नाके लगाए गए और किस प्रकार से देखिए 11 नाके इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के यहाँ पे लगाए गए हैं, उन पर पर्याप्त संख्या बल जो है वो मौजूद है, उनके सुपरविजन भी एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के अधीन की जा रही है और घोड़ों के माध्यम से भी और टू व्हीलर से भी लगातार कुछ कच्चे क्षेत्र में या सकरे रास्तों में वहाँ पे भी निगरानी रखी जा रही है और पर्याप्त संख्या में हमारे पास रिजर्व्स भी मौजूद हैं जो हमारे गजेटेड ऑफिसर इंचार्ज हैं उनके साथ भी और मेरे साथ भी। और हमारी यही आशा है कि ये चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण है। सर, स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर जाएंगे, किस प्रकार की सिक्योरिटी? देखिए जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक 2-tier सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे एक्टिवेटेड है। अभी फ़िलहाल जो EVMs हैं वो पोलिंग के लिए गई हुई हैं, जैसे ही ये पोल्ड EVMs जिनमें जो सारे सबने अपना मतदान जो है वो कर दिया होगा उसके बाद तुरंत प्रभाव से इसकी सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा और जब तक इसके चुनाव के नतीजे नहीं आते, यहाँ पे काउंटिंग नहीं होती, तब तक इन मतपेटियों को भी पूरी सुरक्षा में रखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यमुनानगर के SP मोहित हांडा, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो 13 बूथ हैं उनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रूम की बात हो वहाँ पर भी सिक्योरिटी लगाई गई और इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो अन्य राज्य को रास्ता है अंतर्राज्यीय जगहों पर भी और दूसरे जो सडोरा के अंदर वाले आने वाली जगहें हैं वहाँ पर भी जो है पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई है और जो वाहन है उनकी चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सुबह से लेकर अब तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, हम आपको बता दें सडोरा के अंदर जो है आज 10,500 मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और इसको लेकर सुबह से ही जो उत्साह है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर प्रत्याशियों की बात करें 13 वार्डों के अंदर 42 प्रत्याशी जो है आज अपनी किस्मत जो आजमा रहे हैं और इसी प्रकार से चेयरमैन पद के लिए जो है 7 महिलाएँ जो है मैदान में उतरी हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए ये जो पद यहाँ पर सडोरा के अंदर आयोजित किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए सडोरा नगर पालिका चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट पर है और जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान चल रहा है। सुमित ओबेरॉय, पंजाब के CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।